ओम नमः शिवाय। सावन मास शुक्ल पक्ष बृहस्पतिवार षष्ठी तिथि दिन भर लगी रहेगी। चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में दोपहर 3:50 तक चलते रहेंगे, तत्पश्चात स्वाति नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। चित्रा नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी मंगलदेव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर मजबूत शरीर वाले, विभिन्न प्रकार के वस्त्रों और आभूषणों को धारण करने वाले, धनी और धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे जातक बुद्धिमान, मन की बातों को अत्यंत गुप्त रखने वाले, उत्कृष्ट अभिरुचियों वाले, तकनीकी और कलात्मक कार्यों में रुचि रखने वाले, महत्वाकांक्षी और उच्च अभिलाषी भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा मंगल और शुक्र की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज पूरे दिन तुला राशि में ही चलते रहेंगे, जिसके राशि स्वामी शुक्रदेव हैं। दोपहर तक चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में, तत्पश्चात स्वाति नक्षत्र में चलते रहेंगे, जिसके नक्षत्र स्वामी मंगल और राहु हैं। इनका मिला जुला प्रभाव प्रत्येक जातकों पर उनके अपने कारकों और महादशा के अनुसार पड़ता रहेगा। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और सम्मानित किए जाएंगे। आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा स्तर दोनों बढ़ा हुआ रहेगा। हर काम आसानी से संपन्न होंगे। भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा, मगर दोपहर के बाद साझेदारी के कामों में सावधानी अपेक्षित है। दोषारोपण की संभावना, भ्रमात्मक स्थिति का उतार चढ़ाव, माँ के स्वास्थ्य की चिंता और याददाश्त में कमजोरी संभावित है। हालांकि आपकी कार्य योजनाओं में अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। विवाह संबंधी मामलों में अनुकूलता मिलेगी। अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगा व संतान संबंधी मामले अनुकूल रहेंगे। वृष राशि के राशि स्वामी शुक्र नीच के होकर पंचम भाव में चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हैं और बृहस्पति चंद्रमा दोनों छठे भाव में चल रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं संभावित हैं। समय समय पर उचित चिकित्सकीय परामर्श लेते रहना चाहिए और मन अनावश्यक रूप से भयग्रस्त रहेगा। हालांकि आपकी कार्य योजनाएँ सुचारू ढंग से चलती रहेंगी और प्रतियोगी भावना विकसित होगी। शासन सत्ता का सहयोग बना रहेगा। अभीष्ट मित्रों से मुलाकात होगी। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। संतान संबंधी मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी। अध्ययन अध्यापन के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। सफलता के लिए प्रयास जारी रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। मिथुन राशि के राशि स्वामी बुध कर्क राशि में राहु और सूर्य के साथ अस्त हैं। आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव के साथ नए अनुभव प्राप्त होंगे। रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी, मगर निर्णय लेने में परेशानी महसूस होगी। हालांकि आदरणीय व्यक्तियों या उच्च अधिकारियों की प्रेरणा लाभदायक सिद्ध होगी। गुरु और चंद्रमा की युति पांचवें घर में नए आयाम स्थापित करेगी और नई कार्ययोजनाओं के लिए अतिरिक्त ऊर्जा का संचार होगा। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आर्थिक लाभ में महिला वर्ग की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। कर्क राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र की अतिरिक्त जिम्मेदारी बनी रहेगी। आज का दिन सफलता भरा रहेगा। आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा स्तर दोनों हर काम संपन्न करने के लिए सक्षम होंगे। रुके हुए काम चालू होंगे। बड़े कामों में निवेश का योग बना हुआ है, मगर अधिक जोखिम वाले महत्वपूर्ण निर्णय दोपहर के पहले लेने चाहिए। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी और किसी समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए। कमर व पेट संबंधी समस्याएं संभावित हैं। सावधानी अपेक्षित है। सिंह राशि के जातकों के सकारात्मक प्रयासों का दौर जारी रहेगा और कार्य क्षेत्र के विकास की मानसिकता बनी रहेगी। आपके मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति से कार्य क्षेत्र के विस्तार में मदद मिलेगी। गुरु चंद्रमा का योग आपके तीसरे भाव में बना हुआ है। लगभग सारे प्रयास सार्थक होंगे। विभागीय अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा और रुके हुए काम संपन्न होंगे। व्यावसायिक और आर्थिक मामलों में मन मुताबिक लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक रहेगा। निजी रिश्ते प्रगाढ़ होंगे, मगर नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से दूर रहें और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। कन्या राशि के जातकों के वाणी में तेजस्विता और प्रभावशाली ढंग से पेश करने की रचनात्मक पहल जारी रहेगी। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलेगा। स्वास्थ्य में सुधार व आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
सरकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे, साझेदारी व मित्रजनों से लाभ संभव है, नई व्यावसायिक योजनाओं के प्रयास सार्थक होंगे और यात्रा का संकेत मिलता है। शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास जारी रखें। स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए और विरोधियों की साजिश से बचें, सावधानी अपेक्षित है। तुला राशि वाले जातकों की रचनात्मक सक्रियता विकसित होगी, आर्थिक लाभ और सामाजिक मान प्रतिष्ठा पूरे दिन बनी रहेगी, कार्य क्षेत्र में सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी, नई कार्य योजनाओं में शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा, विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, मगर महत्वपूर्ण निर्णय लेने में और स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए, पुरानी समस्याओं की पुनरावृत्ति संभावित है, वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल है और सामाजिक समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छे कामों में खर्च और व्यावसायिक उन्नति के लिए सहयोग करेगा, कार्य योजनाएं सुचारू ढंग से चलती रहेंगी, आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी और संतान संबंधी मामलों में यात्रा का संकेत मिलता है, मगर आत्मविश्वास में कमी और अनावश्यक चिंता भी संभावित है और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए, विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य है, शिक्षा प्रतियोगिता में सहयोग मिलेगा, पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी और निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और अपने सामान के प्रति सचेत रहें, चोरी होने या खोने का अंदेशा भी बनता है। धनु राशि के जातकों के आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी, कार्य क्षेत्र में सकारात्मक उत्साह जारी रहेगा और रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी, ऊर्जा स्तर में वृद्धि होगी और प्रतियोगी भावना विकसित होगी, आर्थिक लाभ में सहयोग मिलेगा और साझेदारी सफल रहेगी, कल से सूर्यदेव कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे जिससे रुके हुए कामों में गति आएगी और संघर्षों में कमी आएगी, संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है, विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल है, नए रिश्ते की बुनियाद मजबूत होगी और वैवाहिक मामले सफल रहेंगे। मकर राशि के जातकों के लिए दिन भर का समय कार्य योजनाओं के विकास और सुधार के साथ साथ अधिकारियों के दिशा निर्देश और सहयोगियों के साथ बीतेगा, अपने कार्य क्षेत्र का नेतृत्व सफलतापूर्वक ढंग से करेंगे, नई व्यावसायिक योजनाएं फलीभूत होंगी, आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता जाएगा, कार्य क्षेत्र से संबंधित यात्राएं हो सकती हैं, साझेदारी से अतिरिक्त आय संभव है, अध्ययन अध्यापन के लिए समय अनुकूल रहेगा, माहौल को अपने अनुरूप करने में सफल रहेंगे और पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी, मगर स्वास्थ्य और संतान संबंधी चिंता संभावित है। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्यशाली रहेगा, कोई बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो सकती है, नई कार्य योजनाओं में मदद मिलेगी और धार्मिक भावना में वृद्धि होगी, अपनी योजनाओं में सुधार का मौका मिलेगा, निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, आर्थिक मामलों में अनावश्यक वाद विवाद संभावित है और कुछ कामों में रुकावट की संभावना भी बनती है, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, संतान संबंधी जिम्मेदारियों में तनाव के साथ साथ भावनात्मक लगाव बना रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अधिक परिश्रम और भागदौड़ वाला बना रहेगा, कार्य क्षेत्र में मेहनत की प्रवृत्ति जारी रहेगी, छोटी यात्रा भी संभावित है, मगर मन मुताबिक आर्थिक लाभ में कमी महसूस होगी, चंद्रमा व बृहस्पति के आठवें भाव में चलने की वजह से मन में नकारात्मक भाव और उत्साहहीनता की स्थिति भी संभावित है, मगर आपको अपने प्रयास जारी रखने चाहिए, आर्थिक लाभ मिलता रहेगा, विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, अध्ययन अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी, स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए और वाहन सावधानी से चलाएं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।